तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ सेठ जी, दुकान वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराने भूले बिसरे राही वापस अपने घर को आ गए हो, नहीं नट्टू काका? Yes, it feels like घर वापसी। वैसे सच कहूँ तो तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है दो दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब दो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी, है हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। वी वर क्लूलेस। सेठ जी, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? आपके और हमारे बीच में जो भी गलतफहमी थी उसे दूर करने में बावरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। उसका तो मैं पर्सनली फोन करके थैंक यू बोलने वाला हूँ दोस्त। सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा सेठ जी। वो बावरी जी पे आपने जो बैन लगाया है ना उससे थोड़ा हल्का कर दीजिए। मतलब? हाँ, वो आपने बावरी जी को दुकान में आने से मना किया है ना, अगर वो कायदा आप थोड़ा हल्का कर देते तो। अरे भाई वो मेरे इस कायदे का पालन कहाँ करती है, जब मर्जी कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में घुस ही जाती है। कभी कस्टमर बन के आती है तो कभी वो चाय पानी नाश्ता लेके आ जाती है। वैसे नटू काका बाघा, पिछले इतने सालों से आप दोनों मेरी अगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक आज ये ऐलान करता हूँ कि आज से इसी वक्त से मैं आप दोनों की पगार डबल करता हूँ। तो काका बागा, आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं क्या? अरे आप दोनों की पगार मैं डबल कर रहा हूँ, डबल। सुना? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं सेठ जी, हमें ये मंजूर नहीं है। क्या? क्यों? अरे इतने सालों से पगार बढ़ाइए बोल बोल के मेरा प्रेशर बढ़ा दिया, अभी पगार बढ़ाई तो बोल रहे के नहीं? सेठ जी, दरअसल बात ये है कि ये छेड़ा वाली घटना होने के बाद आप हमारा पगार बढ़ा रहे हैं, तो हमें हमेशा यही लगेगा कि हम नौकरी छोड़ के ना चले जाए, इस डर की वजह से आपने हमारी पगार बढ़ाई है। यस सेठ जी, बागा इज वेरी वेरी राइट, अभी आप हमारी पगार मत बढ़ाइए, हम आपको बताएंगे तब बढ़ाना, नहीं बागा? वाह वाह, मैं कितना खुश किस्मत हूं कि मेरी गड्डे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे लोग काम कर रहे हैं। सच में नटू काका, मुझे इतनी खुशी हो रही है सेठ जी, मैं बता नहीं सकता। अरे बता दीजिए ना, इसमें क्या है? हाँ। बता देता लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे है अपनी खुशी का, वो क्या बोलते है, इजहार करने के लिए। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप अगर इतने ही खुश है ना तो मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं बावरी जी के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। अरे भाई, एक तो वैसे ही आज का दिन वेस्ट हो गया, तुझे और 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए? यहाँ दुकान में कितना काम पड़ा है, मैंने बोला ना कितने सारे कस्टमर आए थे, मैंने सबको कल का वायदा देके वापस भेजा है भाई, वो सब काम पड़ा, तुमको कुछ काम की जिम्मेदारी है क्या? नहीं बागा। वाह सेठ जी वाह, बस यही सुनने के लिए मेरे कान एकदम तरस रहे थे सेठ जी, आपका गुस्सा सुनने के लिए मेरे कान एकदम तरस रहे थे, बस ऐसे ही हम पर प्यार से गुस्सा कीजिए सेठ जी, ऐसे ही कीजिए बस। सेठ जी,
हमारे बीच के मन मुटाव दूर होने की खुशी में आज हम तीनों पार्टी करते हैं। लेटेस्ट पार्टी बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आज हम तीनों फाइव स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे। नो नो, फाइव स्टार नहीं, सेवन स्टार। ओहो, हमारी पद्मावती भोजनालय। आज हमारे पद्मावती भोजनालय में स्पेशल मेनू है विद श्रीखंड। वाह, ठीक है नटू काका, जो आपको ठीक लगे मंगाइए। पद्मावती भोजनालय से खाना मंगवाइए। अभी मंगवाता हूँ सेठ जी। क्या भाई हम अंदर आ सकते हैं? ओ, पूरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ भाई, आ जाओ। आइए 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 नटू काका, भागा आइए। नमस्ते नमस्ते। अंजलि भाभी? अंजलि घर में नहीं है, वो बबीता जी से मिलने गई है, कुछ काम है। अच्छा अच्छा, आओ बैठो बैठो, बैठे बैठे मेरे साथ, बैठे बैठे बैठे। नटू काका। हाजी हाजी, बताओ साहब। ये मेरे लिए? हाँ आपके लिए। किस खुशी में भाई? बताते हैं आप, स्वीकार तो करो पहले। धन्यवाद धन्यवाद। और ये भी लीजिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, जो कुछ लिखना था मैंने लिख दिया, आप सिर्फ पढ़िए। मतलब ये भी मेरे लिए? हाँ आपके लिए ही। भाई क्या बात है, गुलदस्ता कार्ड, आज क्या हो क्या रहा है ये? श्री मेहता साहब, मेरे परम मित्र और फायर ब्रिगेड बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेठालाल तुम भी ना भाई, इसकी क्या जरूरत थी जेठालाल? जरूरत थी मेहता साहब, जरूरत थी। आज आपने साबित कर दिया कि सच में आप मेरे फायर ब्रिगेड है। आज अगर आप मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। जेठालाल, सेठ जी इज राइट। हमारे बारे में सेठ जी की जो गलत फहमी थी वो आप ही के कारण दूर हुई। अरे आप? हाँ मेहता साहब, छेड़ा की असलियत सामने लाने का श्रेय आपको और सिर्फ आपको ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, आज अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कितना नुकसान हो जाता। इसलिए मेहता साहब तहे दिल से थैंक यू। जेठालाल ये सब कह के आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भाई, क्यों कांटों में घसीट रहे हो जेठालाल? मैंने मदद की तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया भाई, मित्र की मदद मित्र नहीं करेगा तो कौन करेगा, और तुम तो मेरे परम मित्र हो। कल को अगर तुम मेरी जगह होते तो मेरी मदद नहीं करते? नहीं, मेरा इतना दिमाग चलता ही नहीं ना। जेठालाल इसका मतलब तुम मेरी मदद करने से बचना चाह रहे हो? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके लिए तो जान हाजिर है, क्योंकि आपके जैसा दोस्त दिया लेके क्या तो बड़ी हेलोवीन लाइट लेके ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। हेलोवीन नहीं सेठ जी, हेलोजिन, हेलोजिन। समझ गए मेहता साहब, समझ गए ना मेहता साहब आप? मैं समझ गया कि आप लोग हेलोजिन लाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन सच में मेहता साहब, सिर्फ आपकी और आपकी वजह से हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मुंह फिर से देख पाए। अरे फिर वही बात, और आप ही की वजह से हम छेड़ा के चंगुल से छूट गए, और इसीलिए हम तीनों की तरफ से रेडी, एक दो तीन। थैंक यू मेहता साहब, तहे दिल से आपका थैंक यू। कर रहे हो जेठालाल यार, रुलाओगे क्या यार जेठालाल, क्या कर रहे हो? सपना बचा लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या आप लोग भी यार है? मैंने जो किया वो मित्र होने के नाते किया। सेठ जी ये मेहता साहब, आज आपने हमारी तहे दिल से जो मदद की है उसके लिए हम तले दिल से आपके लिए एक तोहफा लेके आए। तले दिल से? आप तोहफा खोल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यह शब्द प्रयोग क्यों किया। अच्छा ये देखिए क्या तोहफा है आपके लिए। तो तुम कमाल कर रहे हो, गुलदस्ता और कार्ड और तोहफा। अरे प्यारे लाल के समोसे, क्या बात है। हाँ, और उसमें दो अलग टाइप की चटनी और तली हुई मिर्ची भी है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह, कमाल कर दिया कमाल कर दिया। खास आपके लिए मेहता साहब, हम तीनों प्यारे लाल की दुकान पे गए और हमारे सामने ये गर्मा गर्म समोसे तलवा के लेके आए। ओहो, इसीलिए कह रहे थे तले दिल से तोहफा लाए हो, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पे ले आए। अंजलि भी घर पे नहीं है अभी।
इसीलिए तो मैंने आते ही आपसे पूछा ना, अंजलि भाभी घर में है? होती तो? तो कुछ नहीं, आपको बाहर बुला के ये तोहफा दे देता, लेकिन फिर आपने बोला कि नहीं है, बाहर गया तो मैंने बोला चलो अभी दे ही देता हूँ। अरे तो फिर देर किस बात की, खाओ भाई खाओ खाओ। हाँ चलो चलो भाई, हाँ, भाई अब देर किस बात की। इसमें एक और है बॉक्स, निकालो निकालो, शाबाश। आप लेना माता सर। अरे इसमें वाह, तुम आना प्यारे लाल का समोसे की बात ही अलग है माता साहब। कितनी जगह मैंने चखे है लेकिन प्यारे लाल के समोसे से समोसा नहीं। मिर्ची मिर्ची ली आपने, मिर्ची लो। अरे आप सब लोग कब आए? तारक, तारक ये क्या आप समोसा खा रहे हैं? क्या पता है ना तेल से कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, समोसे से कैलोरी बढ़ती है, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। देखो अंजलि भाभी, अंजलि भाभी इसमें मेहता साहब का कोई कसूर नहीं है, इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं सेठ जी, इस घटना के जिम्मेदार हम तीनों है, नहीं नट्टू काका? यस यस, ब्लेम इट ऑन थ्री। मतलब? मतलब दरअसल हम लोग ही मेहता साहब के लिए तोहफे के तौर पर ये समोसे लेके आए हैं, और उनके मना करने के बावजूद भी हम उन्हें समोसे खिला रहे हैं, क्योंकि आज मेहता साहब ने बहुत बड़े नुकसान से हमारे घड़ा इलेक्ट्रॉनिक को बचाया। मैं जानती हूँ नट्टू काका कि आपके और बाघा भाई के साथ जेठा भाई की क्या गलतफहमी हुई थी, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि जेठा भाई और तारक ने मिलके उस छेड़ा की कैसे छुट्टी कर दी। आपको किसने बताया? बताया मुझे हैप्पी भाटिया ने। ओ हैप्पी भाटिया, हैप्पी भाटिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशी की बात है तो सिर्फ समोसे से कैसे चलेगा, साथ में रसगुल्ले भी खाइए। रसगुल्ले? हाँ रसगुल्ले। आपने इतना अच्छा काम जो किया है आज, इसलिए मैं बबीता जी के घर जाके रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई, और खास आपके लिए घर पे मैंने रसगुल्ले बनाए। क्या बात कर रही हो अंजलि? तारक मैं अभी बबीता जी के घर गई थी उनको रसगुल्ले टेस्ट करवाने के लिए ही, और उन्होंने कहा है कि अंजलि भाभी आपके हाथों से रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा कहाँ है, तो हमें भी चखाइए, कहाँ है रसगुल्ले? नहीं 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 मजाक जेठा, मजाक, कोई रसगुल्ले रसगुल्ले नहीं, मजाक है, जो मुझे समोसा खाने से रोक रही है वो रसगुल्ले खिला गया, बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, आपको विश्वास नहीं आता ना, ठीक है तो मैं इन लोगों के लिए लेके आती हूँ, आपके लिए नहीं लाऊंगी। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, आप मेहता सबके लिए भी लेके आना, आज उन्होंने बहुत मेहनत की है, प्लीज। आप कहते हैं तो खिला देती हूँ, ठीक है मन रखने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आपके लिए लेके ही आए। अरे रसगुल्ले होंगे नहीं यार, वेरी टेस्टी, मजा आ गया। अरे वाह वाह रसगुल्ला भी आ गया, देखो एटीएम स्पेशल घर का बनाया हुआ रसगुल्ला, खाइए खाइए। अरे थैंक यू थैंक यू। आपको पता है इस रसगुल्ले की खास बात क्या है? क्या क्या? इसको मैंने खास एलोवेरा की चाशनी में डुबो के बनाया है। तो क्या समोसे से पेट भर गया, तो बाद में खा लूंगा। अब खा लीजिए, मैं मजाक कर रही हूँ, तो सिर्फ नॉर्मल चाशनी में बनाया है। अंजलि भाभी आप भी कोई एक चीज तो जरा शांति से खाने दीजिए, हर खाने की चीज में टेंशन देते हो, हर खाने की चीज में बोलो। ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज, अभी एलोवेरा की चाशनी और कुछ नहीं। वाह वाह पड़ोसी सेठानी जी, मजा आ गया, उत्सवों और त्योहारों का देश है भारत, हर माह हर दो माह में एक नया त्योहार मनाया जाता है, और मिलजुल के हम सारे त्योहार मनाते हैं, कभी ईद की सिवैया, कभी दिवाली की मिठाइयाँ, कभी पोंगल, कभी लोहड़ी, उत्साह और उमंग। नवरात्रि में गरबा करते हैं हम लोग, और गणेश चतुर्थी पे भक्तिमय हो जाते हैं। धर्म जाति संप्रदाय कोई भेद नहीं, सारे लोग मिलजुल के सारे त्योहार मनाते हैं, इसीलिए हमारी राष्ट्रीय एकता युगों युगों से अखंड है, कमाल की धरती है भारत। और हम धर्मनिरपेक्ष भारतीय सभी पर्व को मनाते हैं और हर्ष उल्लास फैलाते हैं। क्या बात है अंजलि,
तो इतनी बढ़िया पंक्ति तुमने बोल दी कि इस पंक्ति से मैं इस आर्टिकल का अंत कर सकता हूँ। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पत्नी किसकी हूँ? वैसे तारक, आप यहाँ देखिए। हाँ बोलो। पहले ये दिए देखिए। दिए में क्या देख रहा है अंजलि? दिए तो सारे एक जैसे ही होते हैं। तारक, ये दिए बहुत खास है। ऐसा क्या खास है इसमें अंजलि? क्योंकि ये दिए घर पे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात कर रही हो? अरे वाह, तुमने खुद बनाए दिए? बाबा अंजलि, तुमने बड़े खूबसूरत दिए बनाए। लेकिन भाई, इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी अंजलि? दिए तो बाजार में मिल जाते हैं ना। हाँ तारक, लेकिन दिवाली में अपने हाथों से बनाए दिए जलाओ ना, तो दिवाली की रोशनी में एक अलग ही अपनापन जुड़ जाता है। और लक्ष्मी माँ भी स्पेशल आशीर्वाद देती है। स्पेशल आशीर्वाद? देवी देवताओं के आशीर्वाद सबके लिए समान होते हैं, स्पेशल जैसा कुछ नहीं होता। अरे होता है तारक, मैं तो मानती हूँ ऐसा, और इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, इसलिए चलिए हम भी आपकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं की पूरी कद्र करता हूँ, इसलिए इस दिवाली हम यही दिए लगाएंगे और हमारे घर को रोशनी से भर देंगे। मैं कमीन मेहता साहब। नहीं भाई नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार, तुम भी आओ ना। वो क्या इतनी आदत हो गई ना, विद्यार्थी पूछते ना, मैं कमीन सर, मैं कमीन सर, तो मैंने भी पूछा। टीचर बोलता है नहीं तो वापस निकल भी गए। और कैसे मेहता साहब? वैसा ही भाई जैसा कल था, नो चेंज। क्या बात है। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे बैठो तो सही। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भिड़े भाई, अचानक एकमेव सेक्रेटरी हमारे घर कैसे पधारे? आना पड़ा अंजलि भाभी, आप तो जानते हैं ना एकमेव सेक्रेटरी की कितनी जिम्मेदारी होती है। ये तो है। हाँ, और ये हमारे जमाने वाला आत्मराम तुकाराम भिड़े अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। बाकी मेरी जगह कोई और होता तो उसके तो बाल कब के उड़ गए होते। वाह 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 भिड़े साहब, क्या जानकारी दी आपने कि आपकी जगह कोई और होता तो उसके सर के बाल उड़ गए होते। आपके तो खासे बच गए। मेहता साहब भी क्या करे, मेरे भी उड़े हैं थोड़े बहुत। सेक्रेटरी का जॉब ही थैंकलेस जॉब होता है ना, टेंशन वाला काम होता है। मैं तो बोलता हूँ कि जो सेक्रेटरी बनता है ना उसे सिर्फ टेंशन टेंशन और टेंशन ही होता है। सही कहा भिड़े भाई। नहीं 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 भाई, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भिड़े, सेक्रेटरी का काम बहुत कठिन काम है। ये बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा मेरी नहीं करनी है मेहता साहब, सोसाइटी की करनी है। मैं तो एक लेखक हूँ ना भिड़े, तो मेरा तो हर कर्म सोसाइटी के लिए ही होता है। मेरा हर आर्टिकल सोसाइटी की सेवा के लिए ही है। नहीं नहीं, सोसाइटी मतलब समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी मतलब अपने गोकुलम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कर सकता हूँ भाई हमारी सोसाइटी के लिए? क्या है, कल दिवाली है ना, तो सोसाइटी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाना है। बहुत बढ़िया। अरे वाह भिड़े भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है। बिल्कुल करेक्ट, इसलिए इस बार सोसाइटी की सफाई सोसाइटी के सदस्य करेंगे। अरे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आइडिया। नहीं ऐसा आप सोच रहे हैं मेहता साहब, बाकी लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी की सफाई क्यों करें। अरे भाई सोसाइटी भी तो आपका घर ही है ना। और मेहता साहब आप बताइए, अभी तो घर की सफाई करते ही है ना? बिल्कुल नहीं, आपके मेहता साहब घर की बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। हाँ, बाहर से कुछ मसालेदार और तला हुआ खा के आते हैं, उस दिन मुझे सफाई देते जरूर है। अंजलि मेहता साहब ये गलत बात है। कोई बात नहीं अंजलि भाभी, इस बार मैं इनको सोसाइटी में सफाई करवा के ट्रेन कर दूंगा, तो अगले साल दिवाली में साफ सफाई में आपका हाथ बटाएंगे ये। थैंक यू सो मच। कहाँ फंसा रहे हो यार भिड़े? अरे फंसा नहीं रहा हूँ मेहता साहब, ट्रेन कर रहा हूँ। और वैसे भी ये डिसाइड हुआ है कि हर घर का एक एक सदस्य सोसाइटी की सफाई करेगा। अभी अंजलि भाभी ने घर की सफाई की है तो सोसाइटी की सफाई आप ही करेंगे, क्योंकि सोसाइटी भी तो अपना घर ही है ना। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भिड़े भाई, मैं तो कहती हूँ इसे कहते एक पंथ दो काज, सफाई की सफाई हो जाएगी और इनकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चलो मेहता साहब, बाकी सब लोग भी आ गए होंगे, आप भी झाड़ू पोछा लीजिए और तैयार हो जाइए। चलो भाई, तारक मेहता कलम उठा के खूब कर ली लिखाई, अब झाड़ू उठा के करते हैं सफाई। मित्रों दीपावली में लोग घरों की सफाई करते हैं, लेकिन घर के साथ साथ अपने आंगन की, अपने गली की, अपने मोहल्लों की, जहां आप रहते हैं अपने आसपास के हर स्थान की सफाई करनी चाहिए। इसीलिए गोकुलधाम निवासियों ने फैसला किया है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में सफाई करेंगे। स्वच्छता बेहद आवश्यक है जीवन में, लेकिन ये एक दिन का शौक नहीं होना चाहिए, हमेशा की आदत होनी चाहिए। बड़ा परिश्रम का काम है, लेकिन इस परिश्रम का रंग बड़ा ही चोखा होता है। तो देखना ये है कि यहाँ जो सफाई करने वाले हैं गोकुलधाम निवासी सोसाइटी में, उससे आपको कितनी स्वच्छ हंसी मिलती है, यहाँ कितनी ऊटपटांग हरकतें होती है, कितनी मस्तियां होती है, टप्पू सेना क्या क्या धमाल करती है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.